हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट्स के अकॉर्डिंग टारगेट्स क्या बन रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी की, तो आज हमें स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो 642.65 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। बात करें असाही इंडिया के चार्ट की, फिलहाल जो अपने स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो या आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आज हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। भाई आप देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें पॉप आउट होता हुआ दिखाई दिया है। भाई अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% के आसपास है। अगर आप इन्वेस्टर्स में जाओगे तो आपको FIIs भी अच्छे खासे नंबर में देखने को मिल जाएंगे तकरीबन 4%, और DIIs भी अच्छे खासे नंबर में देखने को मिल जाएंगे तकरीबन 1.5%। और एक चीज़ आप देखोगे FIIs और DIIs ने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया ही है, और हमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एज इट इज बनी हुई है। अगर आप पिछले 3 साल देखोगे तो मार्केट कैप कंपनी का 15,643 करोड़ का है। करंट प्राइस जिस पर कंपनी कारोबार कर रही है 644 रुपये, पावन भी खाई है 722 और पावन भी लो है 492 रुपये। डिविडेंड 8.31% है। बुक वैल्यू 96 रुपये है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के शेयर प्राइस अपनी बुक वैल्यू से लगभग 7 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहे हैं, 7-6 टाइम्स हाई। स्टॉक PE 48 के पास है, यानी कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री PE के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ROCE ठीक ठाक है, ROE ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। EPS 13.50 रुपये है। जो कंपनी के सेल्स हैं पिछले 3 साल में 21% के हिसाब से ग्रो हुई है, यानी पिछले 3 सालों से कंपनी अच्छा खासा ग्रो दिखा रही है। भाई पिछले 5 साल देखोगे तो कंपनी के सेल्स 8% के हिसाब से ग्रो हुई है। पिछले 3 सालों से कंपनी की हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड की। भाई आप डेप्ट की बात करोगे तो डेप्ट 1968 करोड़ का है, पर डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो 0.84 है, यानी कंपनी पर डेप्ट का दबाव नहीं है। PEG रेशो के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। ग्राम नंबर के हिसाब से भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। भाई अगर आप क्वार्टर्स की बात करोगे तो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर देखोगे तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आए तो लगातार आप देखोगे पिछले 3 सालों से, क्योंकि 3 सालों से 21% की हमने देखा था पिछले ग्रोथ है सेल्स की। जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ेंगी और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखोगे एवरेज 18-20% है, तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज होंगी तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। आप देखोगे 2021 में 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि 2022 में बढ़कर 343 करोड़ का हो गया। 2023 में 362 करोड़, 2024 में 325 करोड़। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। फिलहाल आपको देखने को मिल रहा होगा चार्ट में रिवर्सल दिखा रही है, तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये यहाँ से 707 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। पहले बता दूं इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।